हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ बहुत दिनों बाद मैं अपना साड़ियों का पिटारा लेकर। तो मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद आई हूँ साड़ियों का पिटारा लेकर, जो कि मैं मीशो से मंगाई हूँ। और शाम के बहुत टाइम हो गए, मुझको एक वीडियो शूट कर रही थी मैं, तो वो भी मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वो वीडियो में देखिएगा कि कौन से वीडियो मैंने शूट किए हैं। और लेट हो गया, मुझे और भी काम है, पर जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि जो मंगाए हूँ मीशो से उसका मैं रिव्यू कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो जाए। ओके, तो ये है साड़ी, सबसे पहली साड़ी, और इसका पिक्चर मैं लगा दूंगी। और ये कैमरे पर उतना खूबसूरत नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा मैं क्या बताऊं, पर ये जैसा दिखाया गया था गाइस पिक्चर में मीशो पर, वैसा ही रिसीव हुआ है मुझको। और ये एक नेट का साड़ी है, और नेट के साड़ी पर ये देखिए जरी का काम है, और ये छोटे 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 बूटी का काम है इसमें। ओके, तो धुंधला दिख रहा क्यों भाई, थोड़ा सा मैं गाइस कैमरे को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये साड़ी आपको अच्छे से दिखे, पर पता नहीं क्यों आज कैमरा फोकस नहीं कर रहा इसको। तो कोई बात नहीं, आप मतलब आप मीशो पे इसको देखोगे ना, तो जो दिखाया गया वही दिया है, और जरी का काम है, और नेट का कपड़ा है, और इसके साथ आपको ये मिल जाता है ब्लाउज, जो कि ब्लाउज में जो काम है वो मैं दिखा देती हूँ। और जल्दबाजी के कारण मैं साड़ी को खोल कर नहीं दिखा पा रही हूँ गाइस, क्योंकि आप समझ सकते हो एक हाउस वाइफ को शाम के टाइम पर काम होते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये काम है जो कि आपके आएंगे यहाँ पे स्लीव्स पे, ये काम आएंगे, और बाकी सारा प्लेन है। और ये इतना सा नहीं, मतलब ये दोहरा किया गया, आप देख सकते हो इतना बड़ा इसका ब्लाउज का पीस दिया गया है। तो ब्लाउज के पीस में कोई कटौती नहीं हुई है, और साड़ी को मैं खोल कर नहीं दिखा रही उसके लिए सॉरी। और साड़ी जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी बड़ी है, इसमें साड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइस मैं बता दूं, 344 रुपए या कुछ रुपए का था ये, या 322 रुपए का ही था गाइस, ज़्यादा का ये साड़ी था नहीं। तो प्राइस के हिसाब से ये साड़ी तो एकदम बहुत वेरी गुड आया है। पर एक साड़ी आया है जिसका मुझे, मैं जितना प्राइस इसका देखी थी उस पर मतलब मीशो पे, उससे मुझको 100 रुपए से भी ज़्यादा और लग गए। मतलब मेन वो डिलीवरी चार्ज भी ले रहे थे, साइड में कहीं पे लिखा था, मैंने देखा नहीं। तो ये है वो साड़ी, इसका भी पिक्चर लगा दूंगी मैं। तो इसको भी मतलब पिक्चर में जैसा दिखाया गया वैसा ही साड़ी रिसीव हुआ है, जो कि ये है। और ये सिल्क की साड़ी है गाइस, और देख लीजिए आप यहाँ पे, मतलब मैं पूजा वूजा में पहनने के लिए इसको ऑर्डर की थी, कि मुझको ऐसी ही साड़ी चाहिए थी कि पूरे में मतलब ये येल्लो टाइप का हो, ऑरेंजिश टाइप का, और फिर नीचे या रेड हो या पिंक हो। तो मुझको ये साड़ी मिल गई थी जो मुझको बहुत अच्छी लगी थी, और यहाँ पे गोल्डन का बॉर्डर भी है इसमें, सो और भी अच्छा लगता है। और इसके साथ ब्लाउज पीस भी दिया गया है, जिसको कि मैंने खोला है नहीं, तो मैं दिखाती हूँ कि इसका आंचल कैसा दिया गया है गाइस, थोड़ा सा खोल कर मैं दिखा रही हूँ। देख लीजिए ये है इसका आंचल, जिसमें कि ये लटकन लटके हुए हैं, आंचल में आपको ये लटकन देखने को मिलेंगे गाइस। पर ये हाँ, ये साड़ी मुझको पड़ी, मुझको लगा कि ये साड़ी 444 रुपए का है, जो कि लिखा भी था वहाँ पर साइड में लिखा था 552 रुपए। तो इतना पैसा ज़्यादा लगा कर मुझको थोड़ा सा मतलब लगा कि हाँ पैसे ज़्यादा खर्च हो गए। शुरू में ही अगर लिखे होते कि हाँ इतने प्राइस का है, तो मैं सोचती कि मुझको लेना है कि नहीं लेना है, पर लास्ट में मुझको पता चला तो थोड़ा सा इस साड़ी से मुझको शिकवा शिकायत है कि मतलब ली थी कितने में, देना पड़ा, पे करना पड़ा कितना। तो कोई बात नहीं, साड़ी अच्छी है तो कोई बात नहीं, 100-150 रुपए ज्यादा लगे तो लगे। और इसके साथ ब्लाउज भी है, ब्लाउज कैसा है वो भी दिखा दो, ब्लाउज भी साड़ी के जैसा ही है गाइस, ये देख लीजिए आप, पिंक ब्लाउज दिया गया है, मतलब साड़ी के जैसा ही, इसलिए बोल रही थी कि ये येलो एंड पिंक का बॉर्डर का साड़ी है। और ये ब्लाउज पीस देख लीजिए आप, ये आंचल नहीं है, आपको लगेगा कि आंचल में वो लटकन लगे हुए थे, तो इसमें देखिए लटकन नहीं लगे हैं। और ये ब्लाउज का पीस है, जो कि अच्छा है, मुलायम कपड़ा है, आप अगर इसका ब्लाउज सिलवाओगे तो अच्छे से सिल जाएगा, और अच्छा खासा बड़ा भी है, आप देख लीजिए स्क्रीन पर मैं दिखा देती हूँ। तो ये हो गया साड़ियों का काम। और दो मैं झुमके मंगाई थी, झुमके मतलब एक वेस्टर्न कान के हैं, वाली हैं, और ये वाली है या क्या कहूँ, मतलब कान के हैं वो,
तो एक ये है जो कि मुझको आ गए थे, इसका वीडियो है मेरे चैनल पे, ये आ गए थे इस बेज कलर में। तो मेरे पास इस बेज कलर का मतलब पहले से ही एक झुमका था बहुत ही बड़ा साइज का, उसको आपने देखे होंगे मुझको कई दो तीन वीडियो में पहने हुए। तो इसको ना मैंने नेल पेंट लगाकर पिंक किया है क्योंकि मुझको पिंक या फिर रेड में चाहिए थे झुमके। तो एक तो ये हो गया, और ये झुमके मीशो पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो आप चाहेंगे अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको अपने वीडियो में। और एक ये दिखाती हूँ मैं आपको, और ये ना मुझको बहुत पसंद है ये वाले झुमके, मतलब कान की बाली इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न कान की वो है, देख लीजिए आप। पर मैं जब देखी थी ना मीशो पे इसको, तो मुझको लगा था ना कि इतने बड़े बड़े आएंगे जब मैं पहनूंगी ना तो यहाँ यहाँ ऐसे लटकेंगे, इसलिए ये सोचकर मैं ऑर्डर की थी कि मेरे कान में इतने बड़े बड़े ये आएंगे, और रेड या ग्रीन कपड़े पहनूंगी तो उस पर पहनूंगी तो और अच्छे लगेगा। और देखिए इसके चारों तरफ ना डायमंड्स के काम है, ये जो चारों तरफ है ये पिंक वाला पत्थर के अगल बगल ना डायमंड्स के काम, मतलब फेक डायमंड्स, रियल डायमंड्स थोड़े ही होंगे, तो फेक डायमंड्स के काम है। और ये सुई धागा कान वाली है, इयर रिंग्स है। तो आप अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ये मंगा सकते हो, हल्का फुल्का अगर आप कहीं पर पार्टी सार्टी में पहन कर जाना चाहते हो तो आप इसको मंगा सकते हो। और ये बहुत ही खूबसूरत डिब्बी में मुझको रिसीव हुई, ये देखिए ये जैसे क्यूट सी छोटी सी है वैसे ही छोटी सी क्यूट सी डिब्बी में मुझको रिसीव हुई है। और ये जैसे थोड़ा सा बड़ा है तो ये थोड़ा सा बड़ा डिब्बा में रिसीव हुआ। और मैं चौथी मतलब पांचवी चीज बता रही हूँ जो कि ये है, ये माथा पट्टी, इसका डिब्बा मैंने खो दिया गाइस, इसका डिब्बा मैं नहीं आपको दिखा सकती, पर ये ना इतने सस्ते प्राइस में बहुत अच्छे से मिले, जो कि आप यहाँ पे मेरे दो तीन वीडियो में आप देखे होंगे इसको। इसको लगाने के बाद ना ब्राइडल वाला लुक खुद आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है ब्राइडल वाला लुक। तो इसका प्राइस भी मैं लगा दूंगी वहाँ पे, जब वीडियो मतलब यहाँ पे लगा दूंगी प्राइस और पिक्चर। तो ठीक है मेरे वीडियो में अभी फिलहाल इतना है, मीशो का पिटारा मैंने इतना ही मंगाया, और जो ऑर्डर किए वो अभी आए नहीं, जब वो आ जाएंगे तीन चार सामान मतलब मेरे पास हो जाएंगे, तीन चार सामान स्टोर हो जाएंगे तब मैं उसका फिर एक वीडियो बना दूंगी। और गाइस मैं ना सामान मंगाती हूँ रिव्यू करने के लिए कि आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए, पर आप लोग क्या करते हो ना वीडियो देखते हो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना मेरे वीडियो को लाइक करते हो ना शेयर करते हो, मतलब फुल वाच भी नहीं करते हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने भाई आप लोगों के लिए। मैं ये साड़ियाँ मंगाती हूँ इतने साड़ी में पहन कर क्या करूँगी, पर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा रिव्यू कर दूंगी जो कि मतलब मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरे थ्रू आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी मेरे वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। फुल वॉच आप करते ही नहीं हो, बस 2 सेकंड 10 सेकंड देखते हो और साइड कर देते हो वीडियो को, और हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू, बाय, सी यू।